विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में नेता एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जा रहे हैं। अब हरियाणा महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमित्रा चौहान ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी का दामन थाम लिया है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला की मौजूदगी में सुमित्रा चौहान बीजेपी में शामिल हुई। वो काफी वक्त से कांग्रेस आलाकमान से नाराज चल रही थी, लेकिन मैंने कांग्रेस पार्टी दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके ऊपर छोड़कर मैं आई हूँ। सबसे पहले मेरा राष्ट्र है, उस राष्ट्र की मैं एक नागरिक हूँ। धारा 370 से मेरा बिल्कुल दम घुट रहा था, जिस तरीके से पार्टी का स्टैंड था और ट्रिपल तलाक। इस दौरान सुभाष बराला ने कहा कि कांग्रेस गर्दिश के दौर से गुजर रही है और पूरा विपक्ष धराशायी हो चुका है। और कांग्रेस पार्टी की कहानी आप लोग देख लीजिए कि वो बड़ी मुश्किल से अपना जो उनका एक गर्दिश का दौर है, अंदरूनी जो उनका संगठनात्मक ढांचा है उससे निकल नहीं पाए हैं। कभी अपने अध्यक्ष को बदलते हैं, जो लंबे समय तक अपने पदाधिकारी और अपने जो टीम है जिला अध्यक्षों की वो घोषित नहीं कर पाया था, वो पार्टी इस प्रकार के विचलन में है। तो जब पूरा विपक्ष इस प्रकार की स्थिति में है तो ये कहा जा सकता है, जो हम एक बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूती है, हमारी सरकार के जो लोक कल्याण के काम है, जो जनता को पसंद आए हैं, उसके कारण से ऐसा एक वातावरण बना है कि आज पूरा का पूरा विपक्ष धराशायी हो चुका। हरियाणा कांग्रेस में जान फूकने के लिए आलाकमान ने नई टीम बनाई है। इसके बावजूद कांग्रेस के नेताओं का पार्टी के छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। R9 TV के लिए रोहतक से अंकुर की रिपोर्ट।